Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. तो आखिर सेबी ने एफएंडओ के नियमों में बदलाव का ऐलान कर दिया है. सेबी ने वो ऐलान नहीं किया है. लोगों को लग रहा था कि शायद एफएंडओ में लॉट साइज बढ़ जाएगा, कुछ पाबंदियां लग जाएंगी, लेकिन जो ऐलान हुए हैं उनका क्या असर हो सकता है, इसकी गणित जोड़ने की तैयारियां शुरू हो गई हैं. लोग गणित जोड़ने लगे हैं और एक गणित का हल ये निकला है कि विशेषज्ञों का कहना है कि जियो फाइनेंशियल और जोमैटो जैसी कंपनियां और साथ में ट्रेंड टाटा की रिटेल कंपनी, ये तीन कंपनियां निफ्टी में एंट्री की तैयारी कर सकती हैं अगर सेबी के ये नए एफएनओ नियम हैं इनके हिसाब से अगर चला, तो हो सकता है कि अगस्त के महीने तक ये फिर इनकी पहले एफएनओ में एंट्री और उसके बाद निफ्टी में एंट्री हो सकती है. और वजह क्या है कि जो नियम आए हैं इसके हिसाब से अगर ये अगस्त के मिड के पहले एफएनओ में एंटर कर गए जियो और जोमैटो, तो फिर इस बात की पूरी संभावना है कि जब सितंबर में निफ्टी का रिव्यू होगा तो इनको निफ्टी में जगह मिल सकती है. ट्रेंड की तो वहाँ जगह करीब करीब तैयार मिल रही है बनी हुई, और निफ्टी 50 में अगर एंट्री हो गई तो उसके बाद जियो फाइनेंशियल में करीब 46 करोड़ 60 लाख डॉलर पैसिव फंड बाइंग में आ सकता है, और जोमैटो में 49 करोड़ डॉलर और ट्रेंड में 46 करोड़ डॉलर. ये जो पैसा क्यों आएगा, क्योंकि जैसे ही ये इंडेक्स में शामिल होंगे तो जिन फंड्स का मैंडेट है कि उनको इंडेक्स में इन्वेस्ट करना है, पैसिव फंड्स हैं, इंडेक्स फंड्स हैं, उनके पास अभी तक इन कंपनियों के शेयर नहीं है क्योंकि ये उस इंडेक्स में शामिल नहीं है. जैसे ही ये इंडेक्स में आते हैं तो जो कंपनी इंडेक्स से बाहर निकलेगी उसके शेयर उनको बेचने होंगे और इनके शेयर उसको खरीदने होंगे. इस लिहाज से यहाँ इंडेक्स में एंट्री किसी शेयर के लिए इसलिए बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है. जो चेंजेस सेबी ने बताए हैं उसके हिसाब से किसी स्टॉक में कैश मार्केट में डेली डिलीवरी वैल्यू 35 करोड़ रुपए की होनी चाहिए एवरेज, और दूसरी तरफ, और ये पिछले 6 महीने का एवरेज होना चाहिए, 6 महीने में डेली एवरेज 35 करोड़ रुपए की डिलीवरी का, और दूसरी तरफ मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट कम से कम 1500 करोड़ की, अभी तक ये 500 करोड़ थी, इसको बढ़ा के 1500 करोड़ कर दिया गया है, और वो जो डेली लिमिट है कैश की वो 10 करोड़ थी उसको बढ़ा के 35 करोड़ किया गया है. ये सेबी ने जो नया नियम लागू किया है, और साथ में उन्होंने एक प्रोडक्ट सक्सेस फ्रेमवर्क भी लागू किया है ताकि जो कम बिकने वाले जिनमें कम सौदे होते हैं लिक्विड सिक्योरिटीज हैं उनके रास्ते मार्केट मैनिपुलेशन ना हो. तो अगर 6 महीने मार्केट में वॉल्यूम बहुत लो रहेगा तो फिर उसको एफएंडओ से बाहर कर दिया जाएगा. ये चेंजेस जो हैं इनके हिसाब से अब कैश और एफएंडओ के बीच एक बेहतर रिश्ता, एक बेहतर तालमेल बैठाया जा सकेगा. पिछली बार 2018 में ऐसा रिव्यू हुआ था और अब जब रिव्यू होने जा रहा है तो ऐसे में इन तीन शेयरों के लिए एक जबरदस्त संभावना बनती दिख रही है. जियो फाइनेंशियल अगर आपको याद हो तो जब जियो बना है जिस दिन, उस दिन जियो फाइनेंशियल ऑटोमेटिकली इंडेक्स में इंक्लूड हो गया था क्योंकि वो रिलायंस का हिस्सा था, रिलायंस ने डीमर्जर किया था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि दोबारा इंडेक्स में उसकी एंट्री का रास्ता खुल रहा है. विजर्डा में आज इतना ही. बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ. इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में तीन तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है. इससे जुड़ना भी बेहद आसान है. बिस्तक के यूट्यूब चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें. बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर.